नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई जर्मनी के बारे में। जर्मनी में मैं न्यूज आपको बताने वाला हूँ, हो सकता है आपको शॉकिंग लगे कि यार ऐसा हो सकता है क्या, लेकिन जी हाँ, न्यूज के हिसाब से अगर बताएं मैं बात करूं तो जर्मनी में आने वाले समय में लगभग 30 लाख वर्करों की जरूरत है। जी हाँ, हालांकि आप सोचोगे यार ऐसा कैसे हो सकता है, तो जॉब का मतलब होता है पूरे सब ऑलराउंड जितने भी वहां पे जॉब है, जैसे इंडिया में जॉब है उन सब की मैं बात करूँ तो जर्मनी में वर्करों की कमी पूरा करने के लिए सरकार ने नियमों में ढील दी है, इमिग्रेशन नियमों में दी है, वीजा प्रोसेस में प्रणाली जो उनका प्रोसेस होता है उसको भी चेंज कर दिया। इसका कारण क्या है, सिर्फ लोगों को बुलाने के लिए। जर्मनी में सबसे ज्यादा भारतीय रहते हैं, आपको बताओ लगभग एक आंकड़े के अनुसार मोटा मोटा बताऊं तो लगभग 2 लाख के करीब मैं मानता हूं कि इंडियन लोग हैं जो जर्मनी में काम करते हैं, रहते हैं, एजुकेशन जो भी है। इसका मतलब है कि जर्मनी में इंडियन लोग रहते हैं और गए कैसे, तो इसका मतलब है कि वीजा भी मिल रहे हैं, जर्मनी वीजा भी दे रही है, तो आप चाहो तो आप ट्राई कर सकते हैं। वीजा नियमों में सरकार ने बदलाव किया है 2024 में, यानी इसी साल के अंदर। और ब्लू कार्ड जो वीजा होते हैं, जो एक जो व्हाइट कॉलर जॉब के हाई स्किल वर्कर जॉब होते हैं उनके वीजा नियमों भी इजी कर दिया है उनके प्रोसेस को, कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे वर्कर हमारे देश में पहुंच सके। और सरकार ने वर्करों की कमी को पूरा करने के लिए वैसा बाल्टिक देश है ना, जैसे बोस्निया अफ्रीका टाइप के जो देश है उनको 50,000 वर्क वीजा दिए हैं कि आप आओ हमारे देश में काम करो क्योंकि हमारे देश में वर्करों की कमी है। अगर अब तक की न्यूज के हिसाब से पता लगाएं तो लगभग 18 लाख जॉब वैकेंसी जर्मनी में बाकी बताते हैं, न्यूज के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। लेटेस्ट में अगर बात करें तो 70 से ज्यादा जॉब ऐसी हैं जो जर्मनी में जॉब की कमी है, जो लिस्ट मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। अगर आप जर्मनी जाते हैं तो वीजा प्रोसेस इतना आसान कर दिया, सिर्फ आपके पास वर्क का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपके पास डिग्री होनी चाहिए, कॉलेज टाइप की डिग्री, बीए जो भी डिग्री है वो डिग्री होगी तो आप वहाँ जा सकते हैं। और बड़ी बात यह है, बता क्या है, आप अपनी फैमिली को भी साथ में लेके जा सकते हैं, ये बड़ी बात है। 2030 तक जर्मनी का टारगेट है कि हमें 30 लाख वर्कर चाहिए, 18 लाख वर्करों की अभी भारी संख्या में कमी चल रही है, जिसमें 1.5 लाख तो नर्सिंग स्टाफ चाहिए, हेल्थ केयर। अगर इंडिया में तो भाई साहब क्या मिलता होगा, 10-12 हजार रुपए मिलते हैं, 10-12 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है, यहाँ पे 1.5 लाख नर्सिंग स्टाफ की जरूरत है। और तनख्वाह मेरे हिसाब से 1.5 से 2 लाख तो स्टार्टिंग तनख्वाह आपकी मिल सकती है आपको, तो आप कोशिश करिए जाने के लिए। सबसे बड़ी बात क्या है पता है आपको, 2025 में 25,000 जो शॉर्ट वीजा है ना, जो जिसको बोलते हैं खेती बाड़ी वाले टाइप के वीजा, सीजनल वीजा बोलते हैं, 25,000 वीजा इटली देगी और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसा किसी को देने की जरूरत नहीं है, आपको टिकट भी मिलेगा, आपको वीजा भी मिलेगा, आप 8 महीने तक रुक सकते हैं वहां पे, सब कुछ, ये सब कुछ है सरकार की तरफ से बोला गया है। हालांकि भाई पैसा तो एजेंट लेते हैं, आप सबको पता है, आप पता नहीं कितना कितना दे देते हैं, आप इतना कमाते नहीं उतना पैसा एजेंट को देके चले जाते हैं, तो इन चीजों से आपको खुद को बचना। मैं बताता हूँ कि वैकेंसी कौन सी है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें तो ड्राइवर की, अब ड्राइवर में हेवी ट्रक ड्राइवर भी है, लोरी है, बस है ना, लोकोमोटिव इंजन वगैरह, बहुत सारे ट्रक ड्राइवरों की जरूरत है। रेलवे में ब्रेक सिंगल स्विच ऑपरेटर उनकी भी जरूरत है, मशीन ऑपरेटर है, पेपर रबर प्लास्टिक मेटेलिक जो सामान बनता है उसके लिए भी है ना, मेकर्स वगैरह, कैबिनेट मेकर्स है, रिलेटेड वर्कर वो चाहिए इनको, फूड फूड बनाने वाले भी चाहिए, बेकरी है, पेस्ट्री है, कुक है ना, कुचर वगैरह है, फिश मास्टर है, ये भी इनको वर्करों की जरूरत है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन वाले वर्करों की जरूरत है, इलेक्ट्रिशियन भी चाहिए, प्लम्बर और फिटर की भी जरूरत है, कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर भी चाहिए, स्प्रे पेंटर और ये भी इनको जरूरत है, ब्रिक लेयर रिलेटेड वर्कर यानी कि जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं ना, ईंट पत्थर वाला मजदूरी वाला, वो भी इनको वर्कर चाहिए, फॉरेस्ट रिलेटेड वर्कर यानी जो खेती बाड़ी वाले वर्कर है वो भी इनको चाहिए, फायर फाइटर्स यानी आग बुझाने वाले उनमें भी वर्करों की जरूरत है, कलर्स है, क्लर्क है, पर्सनल है, ट्रांसपोर्ट है, काउंटिंग है, ये है, बुक कीपिंग है, इनमें भी इनको वर्कर चाहिए, डेंटल असिस्टेंट यानी डॉक्टर होते हैं, थेरेपिस्ट वो भी इनको चाहिए, नर्सिंग एसोसिएट है वो भी इनको, नर्सिंग से रिलेटेड अच्छे खासी जॉब यहाँ पे हैं, मेडिकल टेक्नीशियन है, फिजियोथेरेपिस्ट है, इंजीनियरिंग टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकल वगैरह है, अप्लीकेशन प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, डेवलपर्स हैं, सिस्टम एनालिसिस हैं, अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स भी हैं, प्राइमरी स्कूल टीचर्स की भी जरूरत है, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट ये है, यानी लगभग 25 प्रकार के जॉब मैंने आपको बताए हैं जो यहाँ पे इन लोगों को जरूरत है, आप चाहो तो भाई अप्लाई कर सकते हैं जर्मनी में। हालांकि इंडियन लोग काफी हैं, रहते भी हैं, आप भी अप्लाई करोगे, 2 लाख के करीब इंडियन लोग हैं, तो आप ही चाहो तो एजेंट का ध्यान रखना, चीटिंग बाजी से बचने की कोशिश करना, बाकी अगर आप यही से वीडियो देख लें तो आपके चांसेस ज्यादा हैं, यही से कोशिश करिए आप अलग अलग देशों में पहुंचने की, यूरोप पहुंचने की। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट जरूर करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।